एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन वो लड़की उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर एक जिन को छोड़ देती है। तो आखिर वो लड़का खुद को उस जिन से कैसे बचाएगा, जानते हैं आज की इस कहानी में, जो कि है 2023 की हॉरर मूवी असेक के बारे में। तो कहानी की शुरुआत लंदन में होती है, जहाँ हम दो दोस्तों को देखते हैं, रॉनी और आदि। आदि रॉनी को समझाता है कि तुझे प्रियंका से अलग हुए 1 महीना हो चुका है, अब तुझे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन रॉनी नहीं मानता। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ वो सारिम से मिलते हैं। सारिम और रॉनी का पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो सब भुला के यहाँ सारिम से बात करने आया है, क्योंकि रॉनी को पैसों की जरूरत होती है। तभी रॉनी की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कि रॉनी को काफ़ी पसंद आती है। तभी यहाँ प्रियंका आती है और अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसे देखकर रॉनी को बहुत बुरा लगता है। घर जाते वक्त रॉनी उसी लड़की को किसी का वेट करते हुए देखता है। रॉनी उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो लड़की बताती है कि मेरी रूममेट का फ़ोन बंद आ रहा है और घर की चाबी भी उसी के पास है। रॉनी उससे कहता है कि आप मेरे घर पर चल सकती हो। पहले तो वो लड़की नहीं मानती, लेकिन वहाँ कुछ लोग उसे ही घूर रहे होते हैं, तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो लड़की अपना नाम लेल बताती है। फिर इन दोनों को जाते हुए प्रियंका देख लेती है। रॉनी के घर पहुँचने के बाद रॉनी उससे पूछता है कि तुम क्या पियोगी। लेल कहती है कि मुझे सिर्फ गर्म पानी चाहिए, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात होती है। फिर लेल की नज़र प्रियंका के फ़ोटो पर पड़ती है। फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं। लेल का भी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ होता है। रॉनी बताता है कि उसका भी 1 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है, और ये उसी की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है, जो अब ईशान को डेट कर रही है। लेकिन प्रियंका उससे कहती रहती थी कि उसके और ईशान के बीच में कुछ भी नहीं है। लेल उससे समझाती है कि सच में उन दोनों के बीच कुछ ना हो तो। रॉनी कहता है कि आज मैंने खुद उन दोनों को एक साथ देखा था। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब प्रियंका और रॉनी का ब्रेकअप हो गया था। प्रियंका तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बेरोजगार था और सारा खर्चा प्रियंका को ही उठाना पड़ता था, और रॉनी उस पर हमेशा शक करता रहता था। प्रियंका वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो कहती है कि वो उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। प्रियंका के बिना उसका बुरा हाल होने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। इसलिए वो अपने दोस्त आदि से मदद मांगता है, और रॉनी को ऐसा लगता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। लेल उसे होश में लाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम पिछले 2 मिनट से मुझे ही घूरे जा रहे हो, और अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी रूममेट आने वाली है। लेल उसके घर से चली जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका पर्स रह जाता है। फिर हम प्रियंका को देखते हैं, जो कि अपने घर में काफ़ी रो रही होती है। उसी रात रॉनी को लगता है कि उसके घर के अंदर कोई है। फिर अगले दिन जब वो सोकर उठता है, तो उसे अपने पैरों पर लाल निशान दिखते हैं। तभी उसे सारिम का कॉल आता है और रॉनी को पैसों की ज़रूरत होती है, तो सारिम रॉनी को एयरपोर्ट पे मिलने को बोलता है। तभी सारिम उसके रूम में एक लड़के को देखता है, लेकिन वो बस उसका भ्रम होता है। रॉनी अपनी कार के पास आता है और वो कार पे स्क्रैचेस देखता है। वो गाड़ी में बैठता है, लेकिन अचानक से उसकी आँख लग जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। उसे आदि का कॉल आता है और वो रॉनी पे बहुत चिल्लाने लगता है कि सारिम तेरे लिए वेट कर रहा था, लेकिन तू गया ही नहीं और वो इंडिया चला गया। अपने घर के बाहर वो लेल को देखता है, जो कि अपना पर्स लेने के लिए आई थी। रॉनी उसे घर के अंदर आने को बोलता है। तभी हम वहाँ प्रियंका को देखते हैं, जो कि इन दोनों पर नजर रखी हुई थी। घर के अंदर दोनों ड्रिंक करते हैं। रॉनी बताता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेल उससे पूछती है, भाई तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि प्रियंका ने तुम पे कोई काला जादू किया है। रॉनी कहता है कि मैं इन सब बातों पे नहीं मानता। फिर दोनों और भी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं, और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर एक रात दोनों मूवी देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन रॉनी की नींद खुल जाती है, क्योंकि कप अपने आप हिलने लगता है और एक ड्रॉअर अपने आप खुल जाता है। थोड़ी देर बाद लेल अपने घर पर चली जाती है और ड्रॉअर फिर से अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। रॉनी डर के बाहर भाग जाता है। तब हम उसकी घर की खिड़की पर किसी की परछाई को देखते हैं। रॉनी वापस अपने घर में आता है और प्रियंका की चीज़ों को पैक करने लगता है, और वो उस ड्रॉअर की चीज़ों को भी पैक करने लगता है, लेकिन तभी उसमें से एक बुक बाहर आती है, जो कि ब्लैक मैजिक के बारे में थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। वो जल्दी से प्रियंका को कॉल करता है। प्रियंका रॉनी से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुझे कभी खुश रहने नहीं दूंगी। अगले दिन रॉनी अपने दोस्त आदि को ये बात बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पे काला जादू किया है, और वो उसे लेल के बारे में भी बताता है। बाद में सारिम वापस आ जाता है। आदि सारिम को बताता है कि प्रियंका ने रॉनी पे शायद काला जादू किया है, और वो सारिम से पूछता है कि क्या तुम इन चीज़ों पे मानते हो। सारिम बताता है कि हमारी दुनिया से अलग एक और दुनिया होती है, जिसकी अलग फ्रिक्वेंसी होती है,
लेकिन वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आदि अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आदि ने एक बार अपने अंकल को अकेला छोड़ा था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसके अंकल पागलों की तरह अपने सर को खिड़की से मार रहे थे। आदि रोनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो दोनों उसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन रोनी इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जाए। फिर वो दोनों रोनी के घर के बाहर पहुंचते हैं। वो रोनी को कॉल करते हैं और रोनी उनसे कहता है कि उसे उनसे नहीं मिलना, और रोनी ठीक तरह से बात नहीं करता। तभी वो दोनों रोनी को खिड़की में देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है, मतलब कि जो कि फ़ोन पे बात कर रहा है वो रोनी नहीं है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सारी मादी को समझाता है कि ब्लैक मैजिक असली में होता है और काले जादू की वजह से जिन इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं और जिन असली में होते हैं। और एक ऐसा ही हादसा सारिम के साथ भी बचपन में हुआ था। आदि सारिम से पूछता है कि क्या जिन भूत होते हैं। सारिम बताता है कि जिन भूत नहीं होते, भूत का मतलब है जो मर चुका होता है, लेकिन जिन जिंदा होते हैं। वो इंसानों की तरह ही शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। वो हमारे आसपास ही रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अलग डायमेंशन में रहते हैं और वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और किसी का भी रूप ले सकते हैं। उसी रात रोनी के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है। वो खुद को मरा हुआ देखता है, फिर उसके ऊपर कोई बैठा होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो डर के बाहर भाग जाता है। तभी उसके घर पर ले लाती है और वो भी काफ़ी डरी हुई होती है। वो कहती है कि मेरे घर पर कोई है, मैं सो रही थी और वो मेरे ऊपर बैठा था और वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। तभी एक परछाई उन दोनों पर नज़र रखी हुई थी। अगले दिन रोनी को बैंक की तरफ से फ़ोन आता है कि उसे कुछ भी करके आज अपनी किस्त भरनी होगी, और रोनी कहता है कि आज वो किसी भी तरह आज इंस्टॉलमेंट भर देगा। उसके बाद वो अपनी कार को बेचने का सोचता है। तभी उसकी गाड़ी के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर रोनी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इतने पैसे उसकी गाड़ी में कहाँ से आए। ये बात वो आदि को बताता है। आदि सारिम से कहता है कि प्रियंका पैसे देकर रोनी की मदद क्यों करेगी, क्योंकि वो तो रोनी से नफरत करती थी। आदि कहता है कि प्रियंका अभी अपने स्टूडियो पर होगी, हमें प्रियंका के घर जाके देखना चाहिए। दोनों प्रियंका के घर चले जाते हैं और प्रियंका घर पर नहीं होती। वहाँ सारिम रोनी की एक पेंटिंग देखता है और तभी प्रियंका वहाँ पहुँच जाती है और वो बताती है कि कल रोनी भी यहाँ आया था, आज तुम लोग आए हो। वो बताती है कि रोनी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो रोनी ना हो। वो पूछती है कि क्या वो ड्रग्स ले रहा है। आदि कहता है कि क्या तुमने उस पर कोई काला जादू किया है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। सारिम कहता है कि रोनी को तुम्हारा बुक मिला है जो कि ब्लैक मैजिक का था। प्रियंका कहती है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी बुक है, इसका मतलब क्या मैं उन सब में एक्सपर्ट हूँ। प्रियंका कहती है कि मुझे लगता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड में ही कुछ प्रॉब्लम है, जाके उससे बात करूं। तभी सारिम को घर के बाहर एक छोटा बच्चा दिखता है और वो बच्चा खुद सारिम होता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें नई दुनिया में लेकर जाएंगे जहाँ पर जिन रहते हैं। दूसरी तरफ रोनी लल से कहता है कि जब मैं प्रियंका के साथ था तो सब बुरा ही हो रहा था, और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सारिम रोनी को कॉल करता है लेकिन रोनी फ़ोन काट देता है। फिर सारिम उसे दोबारा कॉल करता है और कहता है कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के वो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और आदि वहाँ सही सलामत होता है। उन लोगों ने रोनी को यहाँ बुलाने के लिए उससे झूठ बोला था। सारिम रोनी को बताता है कि तेरी जो नई गर्लफ्रेंड है उससे कोई मिला है क्या। रोनी कहता है कि नहीं, यहाँ तक कि रोनी के पास लेल का फ़ोन नंबर भी नहीं होता। फिर सारिम उसे जिन के बारे में बताता है और एक स्पेसिफिक जिन के बारे में बताता है जिनका नाम आशिक होता है, जो कि असली में लवर होते हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो वो तुम्हें तुम्हारे दोस्त फैमिली सबसे अलग कर देंगे। वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और वो तुम्हें कभी भी मिल सकते हैं, और अगर तुम उनको पसंद आ जाओ तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि ब्लैकआउट होना और डेजा वू। सारिम रोनी से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उससे फिजिकल मत होना। रोनी अपने दोस्तों से पूछता है कोई तरीका तो होगा जिससे वो पता कर सके कि लेल सच में जिन है। फिर रोनी अपने घर आ जाता है जहाँ वो लेल को बैठा हुआ देखता है। रोनी लेल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। रोनी कहता है कि तुम्हें बस इन्हें छूना होगा। लेल आसानी से तीनों चिन्हों को छू लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर रोनी राहत की सांस लेता है। फिर वो उसे फ़ोन नंबर मांगता है और वो उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है। लेल उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों अजीब सा बिहेव कर रहे हो। जिस पर रोनी कहता है कि आदि और सारिम को लगता है कि तुम एक जिन हो। ये सुन के लेल हंसने लगती है। रोनी लेल से कहता है कि तुम एक बार उनसे मिल लो और उनसे बात कर लो, जिस पर वो मना कर देती है। दूसरी तरफ सारिम अपने अंकल को कॉल करता है और वो दोनों रोनी के बारे में बताते हैं कि उसके पीछे एक जिन पड़ गया है। उसके अंकल बताते हैं
कि जिन जब इंसानी रूप लेता है तो बिल्कुल इंसानों जैसा ही होता है, यानी कि अगर उन्हें काटा जाए तो उनके शरीर से भी खून निकलेगा। सारिम अपने अंकल से पूछता है कि जिनको उनकी असली दुनिया में वापस भेज सकते हैं क्या, या फिर उनको अपने असली रूप में लाने का कोई तरीका तो होगा। जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। इसके बाद रॉनी उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो पहली बार लेल से मिला था, लेकिन जब वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि वो बाहर अकेला ही बात कर रहा होता है। फिर वहाँ काम करने वाला आदमी जिनकी आवाज़ में उसे कहता है कि अब तुम्हें सच पता चल गया ना, अब जल्दी से घर आ जाओ। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो आदि को कॉल करता है और ये बात बताता है कि लेली जिन है, लेकिन वो असल में जिन से ही बात कर रहा होता है, जो उसे कहता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ नहीं तो तुम्हारे दोस्तों के साथ बहुत बुरा होगा। वो अपने घर पहुंचता है। लेल कहती है कि हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब मुझे कोई पसंद आ जाता है और जब उसे मेरी असलियत पता चलती है तो वो मुझसे दूर चला जाता है। फिर रॉनी उसके सामने नाटक करता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ। फिर वो जैसे ही उसके करीब जाता है तो उसके दोनों दोस्त वहाँ आते हैं और तीनों मिलकर लेल को पकड़ के बांध देते हैं और वो डरावने तरीके से हंसने लगती है। वो तीनों सोचने लगते हैं कि अब इसका क्या करें। सारिम को याद आता है कि जिन आग से बने होते हैं। इसके बाद वो तीनों लेल को बाथटब में लेकर जाते हैं और पानी में बर्फ डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के कारण लेल पानी में ही तड़पने लगती है। उसकी आँख काली हो जाती है और थोड़ी देर में वो शांत पड़ जाती है। तभी सारिम के अंकल का उसे कॉल आता है। वो बताते हैं कि जिनको ठंडे पानी या ठंडी जगह पर रखने से वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और अगर ऐसा किया जाए तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुन के तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिनको ठंडे पानी में डाल दिया होता है। तभी उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि उनके नेबर्स ने कंप्लेंट की थी कि उनको रॉनी के घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। पुलिस घर की तलाशी लेती है और तीनों के आईडी चेक करके चली जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि पुलिस को लेल की बॉडी क्यों नहीं दिखी। वो देखते हैं कि लेल की बॉडी बाथटब से गायब हो गई है। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन डोर लॉक हो जाता है और इनका घर जिनकी दुनिया में बदलने लगता है और लेल अपने असली रूप में आ जाती है और एक भयानक जिन में बदल जाती है। आदि और सारिम अपने दोस्त को बचाने के लिए आते हैं लेकिन वो जिन उन पे अटैक कर देती है। रॉनी अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद के पेट में एक चाकू घुसा लेता है। ये देखकर जिन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रॉनी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और लेल रोते हुए फिर से निकल पड़ती है अपने अगले प्यार की तलाश में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।